27 अगस्त को जोधपुर में देवासी समाज का महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? बस यही कहेंगे समाज से कि अपना समाज पहले तो शिक्षा से दूर बनाई हुई थी क्योंकि मालदारी समाज था। अब जो हमारे बुद्धिजीवी है उन्होंने एक निर्णय लिया कि उन्हें एक जाजम पर हर समाज को इकट्ठा किया जाए, रबारी समाज को, और जो समाज के अंदर बड़ी हुई रूढ़िवादी कुर्तियां उसको हटाया जाए और नए जब मॉडर्न जमाना हो रहा है, हर समाज सक्षम बन रही है, उसके साथ अपने को भी जुड़ा होकर आगे चलने का निर्णय लिया जाए, इसलिए बहुत बड़ा ये महाकुंभ होने जा रहा है। आगे हमारी वसुंधरा सरकार बनी तब भी बहुत ही स्कूल हमारे को दी गई थी शिक्षा के अंदर, और अब गहलोत जी सरकार इसमें भी हमारे को अच्छी शिक्षा के अंदर व्यवस्था है, परंतु अभी भी जो व्यवस्था है ना वो बहुत कम, हमारी संख्या है उसके अनुकूल अभी तक व्यवस्था नहीं है। जहां जहां हमारे पेड़ पालक है वो चले जाते हैं, उनके बच्चे रहने के लिए हर तहसील स्तर पर यदि कोई व्यवस्था हो जाए ना तो हमारे बच्चे पढ़कर आगे बढ़ेंगे और देश के अंदर विकास के अंदर भागीदार बनेंगे। इस महाकुंभ से राजनीतिक संदेश भी जाएगा बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में, इससे क्या आप भागीदारी क्या चाहते हैं? हमें यही चाहते हैं कि भाई दोनों पार्टी हमारे लिए कोई पार्टी नहीं है, समाज के लिए कोई पार्टी नहीं है, दोनों पार्टी है, जो हमारे को भागीदारी ज्यादा देगी वो हमारे लिए सर्वप्रिय पार्टी है। पार्टी में यही हम हर नेताओं से कहना चाहते हैं कि हमारी हर जहां तुम्हारे कैंडिडेट खड़े होते हैं वहां हम समर्थन करते हैं, तो कृपया कहीं भी हमारा भी जहां जो 30,000 है, 40,000 की संख्या में, 30,000 की संख्या में समाज बसता है, वहां भी आप टिकट दो तो हमारा भी वहां विधानसभा के अंदर प्रतिनिधित्व हो और समाज की बात उठाए। राजस्थान में ऐसी कई विधानसभा है जहां पर देवासी समाज हार जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाँ बिल्कुल है ना, ऐसी कई है, सिवाना है, चाचौर है, भीनमाल है, रानीवाड़ा है, चौटन है, और ऐडी कई जोधपुर है, वहां हमारी बहुत बड़ी संख्या है, परंतु हमारे को प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण हमारी गिनती नहीं होती है। इस महाकुंभ से आप ये संदेश देंगे? हम ये देंगे कृपया कर के भाई, और समाज से भी हम कहेंगे आप ज्यादा से ज्यादा वहां पधारे और समाज का नाम ऊंचा करें, जो भी अपने समाज में कुर्तियां हटाएं, और राजनीति में, शिक्षा में, और हर विभाग में, हम नौकरियों के अंदर भी बहुत पिछड़े हुए क्योंकि हमारे पास शिक्षा नहीं है, इसलिए हर समाज को हम आमंत्रित करते हैं जोधपुर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे। 27 अगस्त को देवासी समाज का एक महाकुंभ, पूरे राजस्थान के लोग देवासी समाज के वहां इकट्ठे होंगे लाखों की तादाद में, उसके लिए सातचौर से 45 बसें हैं और अपने निजी वाहन है, उनसे 10,000 की समथिंग जाने की संभावना है। हमने हमारे देवासी धर्मशाला में 4 बार बैठकें हुई, प्रत्येक गांव वाइज बैठक की मैंने, सभी ग्राम पंचायतों में 10-10 व्यक्तियों को जिम्मेदारी दी, और अभी भी लिस्टें बन रही हैं, बसों की बुकिंग भी करवाई, सारा अपने निजी खर्चे से जा रहे हैं, जो भी जैसे बस की 50, 60, 70 की जो कैपेसिटी है उस हिसाब से लिस्टें बन रही है, और प्रत्येक बस का किराया भी वही जाने वाले वहन कर रहे हैं और भारी दादा में जाएंगे। सांचौर विधानसभा से हर गांव से देवासी समाज के लोग जोधपुर पहुंचेंगे? हाँ हर गांव से है तो पहुंचेंगे। इस महाकुंभ में कितने लोगों के पहुंचने का अनुमान है? महाकुंभ में ये देखो, हमारे देवासी समाज ये जब आजादी के बाद पहली बार हो रहा है तो उत्साह है, पहुंचने में लाखों की भीड़ उमड़ रही है, आज कई जगहों से चित्तौड़, राजसमंद, वहां से भी बसे मैसेज आ रहा, हमारा ग्रुप बना हुआ पूरा ऑल राजस्थान का, उसमें बड़ी तादाद में आएंगी, लाखों की संख्या में। इस महाकुंभ से देवासी समाज क्या संदेश देना चाह रहा है? संदेश यही देना चाहता है देवासी समाज, सदियों से पशुपालक रहा है, अब व्यवसायी भी है, सरकारी शिक्षा में भी है, तो ये सबसे बड़ा तो यही देना चाहते हैं राजनीतिक संदेश। जहाँ हमारा बाहुल्य है, 30,000 से ऊपर देवासी समाज के वोटर्स हैं, वहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में भागीदारी मिले, ये संदेश देना चाहते हैं।